प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तो यार हमें ना बहुत कमेंट आ रहे थे लगातार काफी दिनों से, तो कह रहे थे कि जैसे मतलब कि हमारा टूर था, मतलब जो ट्रिप थी 30 दिन की पंजाब टू लेह तक की, तो वो कैसी रही, मतलब क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई, क्या मतलब उसमें हमें क्या सामान लेके जाना चाहिए, क्या मतलब कौन सा साइकिल ले, तो उसी हिसाब से मैं एक वीडियो बनाना चाहता था। बस वो मतलब थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं चाहता था कुछ भी मतलब रहे ना, आपको जो भी बताना है इसलिए मैंने ये सारा लिख लिया है। तो आज मैं इससे मतलब कि एक भी चीज हमारी रहेगी नहीं, उसी हिसाब से आपको आज सारा बताऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सामान से, सबसे जो जरूरी चीजें हैं और सबसे ये भी है कि हम ज्यादा भी ना जा सकते और कम भी ना रहे। तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा कि अगर तो आपने खाना मतलब कि खुद बनाना है कि आप चाहते हो खर्चा कम हो, तो एक गैस चूल्हा आता है वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, वो सस्ता ही आ जाता है, 450 रुपए का मिलता है और 150 रुपए की उसकी गैस कैन मिल जाती है, तो वो आप लेके जा सकते हो अगर आपने खुद खाना बनाना है। अगर आप ढाबा से खाना है मतलब थोड़ा महंगा पड़ता है तो वैसे भी कर सकते हो आप। और दूसरे नंबर पे आता है पावर बैंक। जैसे हमें रास्ते में कई बार रहने के लिए भी जगह नहीं होती तो फिर हम टेंट लगाते हैं तो वहां पे हमें लाइट भी मिलेगी, तो लाइट के कारण फोन तो चार्ज करना ही पड़ेगा, अगर कैमरा है तो वो भी चार्ज करना पड़ेगा, इसके लिए पावर बैंक बहुत जरूरी है। अगर आपने है आपके पास तो ठीक है, अगर नया लेना है तो MI का ले लीजिए 20,000 mAh, वो आ जाता है 1300-1400 रुपए का आ जाता है और बढ़िया रहता है वो। उसके बाद एक टॉर्च भी आपको चाहिए, जैसे टॉर्च होती है मतलब रात को आपको कई बार लेट हो गए थोड़ा बहुत, तो एक आधी मतलब छोटी मोटी जैसी भी आप ले जाओ टॉर्च वो ले सकते हो। और टेंट, टेंट आपको मतलब कि अगर आप डबल लेयर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि उसमें बारिश का कोई दिक्कत नहीं रहती, मतलब बारिश का पानी है जो अंदर नहीं आता अगर तरपाल वाला होगा। अगर सिंगल लेयर होगा तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, जैसे मेरे पास सिंगल वाला ही था पर वो आया भी सस्ता था। तो तीसरे नंबर मतलब ये सबसे जरूरी है कि कपड़े हमें बहुत कम लेने हैं, जैसे 3-4 T-shirt ले लो और उसके बाद लोअर भी 3-4, बस एक जो जैकेट लेनी है मोटी वहां पे क्योंकि ठंड होगी। तो रेनकोट सबसे ज्यादा जरूरी है, ज्यादा आपको रेनकोट ही पहनना पड़ेगा, कपड़े तो दिखेंगे नहीं इसलिए कपड़े बहुत कम लेने हैं। तो साफ भी रहते हैं, कोई वहां पर पसीना तो आता नहीं ना कुछ वैसे होता है। और स्लीपिंग बैग, सोने के लिए आपको स्लीपिंग बैग जरूरी है क्योंकि ठंड में उस वही ठंड रोक सकता है, वैसे चादर वदर लेने का कोई फायदा नहीं है, वो पैक भी मतलब छोटा सा बन जाता है इतना सा, आपने देखा होगा वीडियो में और दिखा भी दूंगा अभी आपको मैं। उसके बाद स्लीपिंग मैट भी आता है, जैसे योगा मैट होते हैं ना वैसे मैट आता है, वो मैट आप ले सकते हो, मतलब सस्ते मिल जाता है 300-400 रुपए का, लेकिन बढ़िया रहता है, वो खराब भी होता है मतलब मुड़ के ना वो गोल करके छोटा सा बन जाता है। उसके बाद आ गया अपने ORS के पैकेट, ये मैंने अलग से लिखी है, एक वैसे मेडिकल किट भी आपको लेनी है लेकिन ORS के पैकेट सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे चढ़ाई चढ़ोगे आपको सांस की भी कोई दिक्कत आ सकती है, वैसे साइकिल पर कोई दिक्कत नहीं आती, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन ORS से ऐसे है कि हमें थोड़ा सांस बढ़िया मिलता है और पानी का मतलब गला भी नहीं सूखता, नहीं तो मुंह सूखता रहता है। और मेडिकल किट तो आपने लेनी लेनी है, उसमें डेटॉल वगैरह ये चीज सब चीज बैंडेज वगैरह, जैसे कोई सिर दर्द की या कोई बुखार हो गया कुछ भी ऐसे, वैसे तो वहां पे हर जगह आपको फौजी मतलब की छावनी होती है वो मिल जाती है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन अपने पास हो तो ज्यादा बढ़िया है। उसके नेक्स्ट आ गया कि साइकिल का सामान और साइकिल कौन सा ले। भाई साइकिल ऐसे है कि जो मर्जी आप ले लो, जो आपको ठीक लगता है, और लेकिन लेना ऐसे है कि जिसमें आगे 3 गियर हो और पीछे 7 हो, टोटल 21 गियर होते हैं, एक गियर पे 7 गियर डलते हैं, तो वो सही रहता है, सबसे बढ़िया रहता है। और साइकिल का जो सामान है, कम से कम 2 ट्यूब आपके पास मतलब कि साथ में चाहिए, 7-2 ट्यूब चाहिए। उसके बाद टूल किट साथ उसमें मतलब की साइकिल की सारी चाहिए, चैन सेट एक आपको लेना पड़ेगा, पंचर किट भी जरूरी है क्योंकि पंचर कभी भी हो गया और वहां पे आपको दुकान पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ब्रेक वायर, गियर वायर, वो एक एक साथ ले लेना, वैसे नहीं कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी आप एक एक साथ ले लेना। तो ये हो गया साइकिल का सामान। अब मुझसे मतलब पूछा गया था कि आप डेली कितना चलते हो किलोमीटर, मतलब कि जो यहाँ से लेके, जब तो जैसे यहाँ से मैं निकला था तो थोड़ा प्लेन रास्ता था सारा 250-250 किलोमीटर, तब तो हम 80-90 किलोमीटर भी चल लेते थे। उसके बाद हम जो मतलब कि पहाड़ों का रास्ता आया था वहां पे 50 भी चल सकता है, 30 भी चल सकता है एरिया के हिसाब से। वैसे मैं डेली मतलब कि 60-70 किलोमीटर चलता है, कभी कभार हुआ है कि ऐसे 30 किलोमीटर ही चला गया हो, क्योंकि कई बार पास है जैसे जो जिला पास है वो सारा दिन लग जाता है निकलने में, तो उसी हिसाब से आपको मतलब कि चलना है। और चलना भी ऐसे है कि ज्यादा अंधेरा ना हो, तो मतलब पहले पहले आप पहुंच जाओ, 5 बजे तक आप ढूंढने लग जाओ अपनी रहने की जगह, टेंट लगाने की जगह, अगर आपने होटल में फिर तो कोई दिक्कत नहीं आपको,
तो अगर टेंट लगाना है तो जगह पहले ढूंढनी पड़ती है। कई बार ऐसे हो जाता है कि हमें जगह नहीं मिलती। तो अब बताता हूं मैं आपको रास्ते में क्या क्या समस्या प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है। जो मतलब कि ऐसे आ सकती है वो अलग बात है, जो मुझे आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आप देख लीजिए। जैसे पहला तो हम दो बंदे थे, एक भाई था हमारे साथ, वो बीमार हो गया था 4-5 दिन बाद, तो वो वापस आ गया। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद अकेले को करना सफर यार एक बार मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो वो हमने मतलब कि हौसला मतलब जो छोड़ा नहीं, तो वैसे चलते रहे, सही रहा हमारा। तो दूसरी, जैसे मेरी चैन टूट गई थी साइकिल की, तो चैन उसके बाद 25 किलोमीटर बाद दूर थी वहां पे दुकान, तो चैन टूट गई। अगर मेरे पास होती तब मेरे पास थी नहीं, उसके बाद मैंने ली थी चैन। तो तीसरा आ गया हमारे पास पंचर, पंचर होते रहते हैं मतलब कि यार 3-4 बार तो पक्का हो ही जाना है। अगर बस रोड से नीचे नहीं उतारना है साइकिल, इसके भी मैं बता देता हूँ, रोड के ऊपर रखोगे तो बहुत कम होता है। कभी कभार ऐसा है कि हमने कहीं खड़ा करने के लिए जहाँ कुछ भी ऐसे करनी है वहीं पे वो दिक्कत आ जाती है। उसके बाद कई बार ऐसे होता है कि हमें टेंट लगाने की जगह नहीं मिलती, तो थोड़े बहुत आपको खर्चा भी साथ में रखना पड़ेगा। अगर टेंट लगाने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वैसे वहां पे ना 200-250 रुपए में हमें मतलब गद्दा मिल जाता है, पता करोगे तो मिल ही जाएगा आपको, हर जगह पे अवेलेबल होते हैं ये चीज। तो अगर टेंट बाकी ढूंढ लो, डेली टेंट वैसे मुझे लगातार मिल रहे थे, लेकिन मैंने कभी कभार ऐसे किया है, आपने देखा होगा वीडियो में, गद्दा भी लेना पड़ता है हमें अंदर, वो बढ़िया होता है, खाना पीना भी वहां पे मिल जाता है, 200 रुपए या 250 रुपए, 300 रुपए, ठंड के हिसाब से होता है, जहां पे ज्यादा ठंड है वहां पे 300 का, 250 का, 200 का ऐसे। उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम, ये तो मतलब बहुत ज्यादा रहेगी। आप एयरटेल का पोस्टपेड सिम लेके जाइए और जियो का लेके जाइए, वोडाफोन आइडिया उसमें मतलब बहुत कम चलता है। मनाली से जब वापिस आ रहे हैं तब सारे चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, आपको एयरटेल पोस्टपेड ही काम करेगा, ज्यादा एयरटेल पोस्टपेड। उसके बाद जब ले से आगे आ जाओगे तब जियो काम करेगा। तो और मेरे साथ एक मेमोरी कार्ड का भी मेरा हो गया। अगर आप वीडियो बनाने का या कुछ भी ऐसा कुछ शौक है, आप मतलब कि वीडियो बनाना चाहते हो व्लॉग वगैरह मेरे जैसे, या वैसे भी, तो एक मेमोरी कार्ड मेरे पास एक्स्ट्रा था, वो था छोटा, लेकिन मुझे ऐसे पता नहीं था ना यार खराब हो सकता है, तो हो जाता है मतलब कभी कभी, तो ये भी एक मतलब थी समस्या मेरे लिए। और एक बार तो मैं गिर भी गया था, तो वो थोड़ा आप ध्यान से रखना अपना, तो ज्यादा तेजी भी नहीं करनी और ज्यादा स्लो भी नहीं चलना, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तो ध्यान से मतलब चलना है। और कई बार ऐसे होता है कि दूर दूर तक हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता, तो उसके लिए आप साथ में अपना रखें, जैसे मैंने बताया कि गैस चूल्हा चाहिए, और खाने के लिए मैगी ले लीजिए, या फिर कुछ भी आपको जो अगर आप बना सकते हो तो वो चीज आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से जो कैरी कर सकते हो जितना सामान, वैसे सामान कम से कम लेके जाओगे अगर साइकिल पे जा रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आ जाती है लास्ट अपनी हेल्प, तो लोग यार सारे वहीं पे हेल्पफुल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मेरी अभी पहली बार चैन मतलब की टूट गई थी, तब मुझे मिले थे यहाँ से जलंधर से एक हैरी भाई मिले थे, वंडर विद हैरी उनका नाम है चैनल का, यूट्यूब पे भी है वो, तो उन्होंने 25 किलोमीटर दूर थी चैन की दुकान, तो वहां से लेके मुझे 25 किलोमीटर तक बेल्ट से पकड़ के मतलब कि हमने बेल्ट का यूज किया था, तो बाइक से बांध के तो वहां पर छोड़ के गए थे। दूसरे नंबर पे एक साहिल भाई मिले थे मुझे वहां पे द्रास में, तो उन्होंने मतलब कि काफी उस दिन मेरे चोट लगी थी हाथ पे, उन्होंने होटल वगैरह भी मुझे बहुत सस्ता दिलवा दिया था, सिर्फ 300 रुपए में एक रात के लिए, और बढ़िया नहाने के लिए गर्म पानी सब चीज मिलती है, मतलब कि ऐसे लोग हेल्प बहुत, वो अपनी अपनी किस्मत है क्या मिले हमें क्या नहीं, कैसे लोग मिले, तो बाकी वैसे हेल्पफुल लोग हैं वहां पे। और तीसरा श्रीनगर में मुझे मतलब कि वो द्रास से पहले ही श्रीनगर में BSL में एक पर्सन मिले थे, तो आपने वीडियो देखी होगी उनकी भी, मैं दिखाऊंगा भी, उन्होंने मतलब कि उस स्लीपिंग बैग उन्होंने ही दिलवाया था मुझे, मतलब पैसे तो मैंने दिए थे लेकिन ढूंढ के और सस्ता उन्होंने दिलवाया था, तो ये बहुत मतलब कि बहुत अच्छे नेचर के थे वो। और चौथे आते हैं जब हम चलते हैं वहां से तंगलंगला से, उसके बाद आपको किसी भी सिम का नेटवर्क नहीं मिलेगा, चाहे वो BSNL है चाहे जियो है चाहे एयरटेल है, किसी भी मतलब कि नेटवर्क नहीं मिलने वाला। तो वहां पे हमें बहुत दिक्कत थी कि नेटवर्क के बिना मैं अकेला था तो रह नहीं सकता था। आप वैसे भी 2 जाने जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, तो चाहे धीरे धीरे चल लो यार मतलब कि ऐसे, लेकिन जाओ 2 जाने तो सही रहेगा, अकेले बंदे को बहुत दिक्कत होती है। ट्रक वाले ने फिर हमें वहां से छोड़ा था सरचू तक, 120 किलोमीटर पड़ता है, हमें 2 दिन का रास्ता था वो, लेकिन 2 दिन में नेटवर्क नहीं मिलते तो घर में भी बहुत दिक्कत थी, तो ऐसे फिर मुझे चलना पड़ा। और ट्रक वाले ने कोई पैसा भी लिया था, वो पंजाबी भाई था कीरतपुर साइड से। उसके बाद आते हैं हम पहुंचे थे दारचा से होते हुए कोकसर, तो वहां पे एक ढाबे वाले ने मेरी हेल्प की थी राहुल,
लड़का था, छोटा भाई, 18 साल का था वो। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ, वो भी साइड में। ठीक है तो जी, उसने सुबह के ऐसे ना कि वहां साढ़े पे आठ बॉक्सर में बजे आपको आठ आज सौ हम रुपए से कल्याणी जा रहे हैं, मिलेंगे, मनाली मतलब जाना है। कमरा मिल 33 से 40 किलोमीटर जाएगा 600 से। मतलब कि पड़ेगा, 35-40 किलोमीटर। उस भाई ने सिर्फ और 22 हजार 100 रुपए का ले लेते हैं। बोला था, चल लेकिन ठीक है उससे भाई, मतलब कि दोस्ती ऐसे बढ़ गई कि मिलेंगे उसने फिर। कोई पैसा लिया नहीं, और खाने पीने का तो मेरा सिर्फ अटल टनल ढाई सौ आएगी रुपए अभी यहाँ खर्चा से है ना, दो छह दिन का। किलोमीटर है नहीं तो तो दो आज दिन उसके में लिए कम हम से कम दर्शन कर 3 घंटे लेंगे। लग जाते हैं कम से कम। और उसके बाद आ जाता है, जब मैं घर वापिस आया तो सबसे पहले तो पीटीसी न्यूज वाले, जो मतलब कि पहले भी मेरी उन्होंने मतलब कि काफी हेल्प की थी, सपोर्ट कर रहे हैं, और घर पे आके भी उन्होंने मतलब बहुत अच्छा ऐसे मतलब कि उन्होंने रास्ते में जहाँ पे मतलब कि हमारा मोगा स्टार्ट होता है वहीं पे मिले थे, वहां पे मतलब घर वाले भी हमारे बुलाए थे, तो मतलब अच्छा उन्होंने ऐसे किया मुझे, मतलब कि मुझे भी मोटिवेट किया कि आगे का टूर में कोई नेक्स्ट भी जल्दी से जल्दी कर सकूं। तो उसके बाद एनजीओ, जैसे मोगा में एनजीओ है सरबत का भला, तो उन्होंने मुझे ट्रॉफी वगैरह भी दी और सम्मान भी किया। उसके बाद कल मुझे एमएलए साहब है यहाँ पे डॉक्टर अमनप्रीत और अरोड़ा, उन्होंने भी मतलब कि बहुत अच्छा मुझे गाइड किया और सम्मान किया। उसकी वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं की थी, वो इस ब्लॉग में आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं गया था जलंधर, सॉरी लुधियाना, लुधियाना में था, एसिस इमिग्रेशन है, उन्होंने भी मुझे अच्छा मतलब सम्मान किया, और नेक्स्ट ट्रिप के लिए मेरी कुछ हेल्प भी की है, वो उन्होंने मना किया था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन थोड़ी बहुत ही उन्होंने हेल्प की मेरी। तो ऐसे यार मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। और सबसे लास्ट पे मतलब है ये सबसे पहले, लेकिन लिखा मैंने लास्ट पे है, ये है फैमिली। तो अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जब मतलब कि फैमिली का थोड़ा सा भी हौसला है तो उसके बाद हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आती कहीं पे भी, बस फैमिली साथ है तो सब चीज हो जाएगी। बस ये मेरा थोड़ा मतलब कि था मैंने, बाकी अगर कोई भी चीज मिस हुई तो मैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मुझसे, अगर कुछ भी आपको लगे कि ये रहा कि मतलब कि इसके चीज के लिए, तो वो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर टाइम मैं अवेलेबल हूँ, और नेक्स्ट ट्रिप भी आपको मतलब कि जल्दी से मैं न्यूज़ दूंगा। तो एक चीज और रह गई यार, मैंने वो लिखी तो थी लेकिन वो रह गया। तो एक चीज और रह गई यार, मैंने वो लिखी तो थी लेकिन वो रह गया, जैसे टोल पर, जैसे अटल, हाँ टनल थी, अटल तो वैसे बाद में आई थी, लेकिन पहले जो बनिहाल की टनल थी वहां पे मुझे मतलब कि लोगों ने काफी हेल्प की थी। एक तो उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे वहां तक छोड़ा, क्योंकि साइकिल में ना वहां पे जा नहीं सकते, 100-150 की स्पीड से गाड़ियां जाती है वहां पे टनल में, वह स्पीड लिमिट होती है लेकिन तेजी जाते हैं, तो उन्होंने मतलब गाड़ी में अपनी में बैठा के मुझे उस साइड छोड़ा, और वहां पे एक अंकल जी थे उन्होंने मुझे हेलमेट भी दिया, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब गाइड किया, पानी वानी भी उन्होंने एकदम से वहां पे लाके पिलाया, तो मतलब यार बहुत बढ़िया लगा था, वो भी एक बात रह गई थी। तो एक यार मैंने और थोड़ी मेहनत तो ज़रूर हो गई, लेकिन मैंने थोड़ा मतलब आपके लिए बनाया है कुछ दिखाने के लिए आपको। तो जैसे मैंने ये जो मेरा ट्रिप था वो सारा मैंने बनाया है पंजाब टू लद्दाख का। तो मैंने आपको बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया था मोगा से, मरकली, नहीं पढ़ लूँ, मोगा से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 80 किलोमीटर जलंधर तक। उसके बाद मुकेरियाँ किलोमीटर मैंने साथ में लिख रखे हैं, पठान, जम्मू पठानकोट, उधमपुर, कश्मीर, श्रीनगर, सोनमार्ग, द्रास, उसके बाद कारगिल, बुद्ध खरबू, खलसी, निमो, ले। ले में आकर के हमने एक बाइक रेंट पे ली थी पैंगोंग जाने के लिए, क्योंकि 165 किलोमीटर था, और लेकिन ये था भी रोड ऑफ रोड है पूरा, तो वहाँ पे रास्ते में एक पास भी आता है तो चांगला पास आता है वो, मतलब काफ़ी मतलब ऑफ रोड है, तो उसी हिसाब से वहाँ पे हमने बाइक ली थी, और 2 दिन लगे थे मुझे यहाँ पे जाके आने में वापस। उसके बाद खरदुंगला गया था मैं ले से, जब हम वापस आ गए थे 2 दिन बाद खरदुंगला, ये मैं साइकिल पे गया था, 45 किलोमीटर जाने का, 45 किलोमीटर आने का। उसके बाद हम रुके 2-3 दिन वहाँ पे, तो उसके बाद आ गए थे हम मीरू में। और एक चीज़ और बताऊँ, मीरू में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, मीरू से मतलब रुका था मैं मीरू में था, लेकिन उसके बाद मुझे 2-4-5 किलोमीटर आगे जाना पड़ा था लाटो में, तो वो लाटो आता है, मैं आपको बता देता हूँ, लाटो में मतलब कि जा सकते हो अगर आपको नेटवर्क चाहिए, अगर नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं तो फिर आप वहीं पे भी रुक सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा आपको 5-10 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। उसके बाद हम आ गए थे तंगलंगला पास पे, तंगलंगला पास पर तक मतलब कि आपको नेटवर्क मिलेगा, मतलब कि उसके पहले आता है एक गाँव वहीं तक मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, तभी हमने यहाँ पर ट्रक ले लिया था। 120 किलोमीटर था उसने हमें, मतलब कि 2 दिन का था हमारा, कर सकते थे साइकिल पर, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरचू वाला रास्ता बहुत ख़राब था और नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए हमें करना पड़ा ऐसे। उसके बाद दारचा 76 किलोमीटर, कोक्सर भी 76 किलोमीटर था, कोक्सर से हम गए थे रोहतांग पास,
रोहतांग पास पड़ता है 22 किलोमीटर वहाँ से। तो 22 किलोमीटर पहले हम गए थे, उसके बाद वापस आए थे कोकसर में, एक रात फिर से रुक गए थे जहाँ पे हमें राहुल भाई मिले थे। तो उसके बाद आ गया मनाली 40 किलोमीटर, ये सारी ढलान है मंडी तक, नहीं आपको कुल्लू तक यहाँ पे आपको ढलान मिलने वाली है। उसके बाद मंडी तक आप मतलब कि 107 किलोमीटर एक दिन में मैंने किया था, आप भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बिलासपुर, यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई आने लग जाती है फिर से दोबारा, तो 71 किलोमीटर। उसके बाद 70 आनंदपुर साहिब तक। उसके बाद सारा मुझे प्लेन रास्ता मिला लुधियाना भी, लुधियाना से मोगा तो बिल्कुल ही प्लेन है ना, मतलब कि यहाँ से प्लेन रास्ता स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से जब पंजाब स्टार्ट हो गया उसके बाद सारा प्लेन रास्ता है। तो ऐसे करके हमारा कुछ 2000 किलोमीटर रन हुआ और हम वापस मोगा में आए। तो कुछ ऐसा मैंने थोड़ा मतलब प्लान करके रखा था, मैंने कह रहा अच्छे से चलो आपको बता सकता हूँ अगर मैं मैप कुछ ऐसा बना के रखूँ। तो मेरे हिसाब से ये मतलब कि बहुत, मैंने जैसे मतलब किलोमीटर के हिसाब से बताऊँ तो जितना हो सकता है ना, जैसे मतलब कि अकेला था तो उतना ही मैंने किया है, कोई ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा किया है। तो आप भी इसी हिसाब से चल सकते हो, मैं साइड में आपको एक या फिर नीचे फोटो भी इसकी पूरी मतलब कि मैंशन कर सकता हूँ। और सबसे अब ज़रूरी बात, जो मुझे सम्मान मिला था तो ये है विशेष सम्मान, मतलब पंजाबी में लिखा हुआ है समाज सेवा सोसाइटी मोगा। और ये कल हमें MLA साहब ने जो मतलब कि यहाँ पे है उन्होंने दिया था। तो ये कुछ ऐसा हमारा ट्रिप रहा, मतलब कि बहुत अच्छा रहा यार, आपका साथ भी बहुत अच्छा बना रहा, थोड़ी सी साथ की कमी लगी थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले ट्रिप में आप वो पूरी कर देना। और वीडियो को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को भी, तो इसके लिए मतलब कि मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा। और बाकी चल रहा है ऐसे धीरे धीरे, तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी मैं आपको बताऊंगा कहाँ का है अगला ट्रिप। नेक्स्ट ट्रिप हम साइकिल पे ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन महीने का लगभग ऐसे कुछ करेंगे मतलब कि बढ़िया। तो चलो मिलते हैं आपको नई वीडियो में।